खास बात ये है कि मलखान सिंह को मैंने सुना, जिसे मैं बहुत फैन रही हूँ, और आज वो उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी और मेरे मित्र। विषय है सामाजिक न्याय। मैं किसी सैद्धांतिक सामाजिक न्याय की बात यहाँ नहीं करूँगी। एक स्त्री होने के नाते क्या वाकई में सामाजिक न्याय या स्त्री होने के नाते हम लोगों को 21वीं सदी में भी मिला हुआ है? या जिस हम डिजिटल भारत की बात करते हैं कि हम डिजिटल भारत में पहुंच गए हैं, क्या उस आधार पर भी सामाजिक न्याय है? चाहे दलित हो चाहे स्त्री, उनको दो तरह से संघर्ष करना पड़ता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों से, और आंतरिक स्वयं अपने अंदर जो ब्राह्मणवादी और पुरुषवादी व्यवस्था कायम है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। हम किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? हम किस राजनीति की बात करते हैं? किस दलित राजनेता की बात करते हैं कि जिसको जनता वोट देकर पहुंचाती है उस सिरे का, लेकिन वो किसकी गोद में जाकर बैठते हैं? गणेश की गोद में, शंकर की गोद में, लेकिन क्या अंबेडकर की गोद में जाकर बैठते हैं? जिन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, और ये सामाजिक न्याय सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं किया, स्त्रियों के लिए भी किया। आज हम जिस मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, या छात्राएं या बहुत सारी महिलाएं आज जिस जगह पर है, वो उसी बाबा साहब की देन है। लेकिन हम उनके विचारों को कितना मानते हैं? हम बाबा साहब के सिर्फ दो तीन मुद्दों को ही लेकर चलते हैं, उनके पूरे विचारों को नहीं। स्वयं महिलाओं के अंदर पुरुषवादी वर्चस्व और ब्राह्मणवादी सत्ता कायम है, यहाँ तक कि अपने दलितों में भी। हम बाबा साहब के कुछ विचारों को तो लेकर ये कहते हैं कि एक दलित स्त्री या एक दलित पुरुष जब उनके विचारों पर चलता है तो कहता है कि हमें गैर दलित समाज में शादी करना चाहिए। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो समानता की बात करते हैं, लेकिन किस समानता की बात? आप जाकर वहीं पर कंजक खाते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, अगर आप 90% उन्हें हाव भाव को अपनाते हैं, उनकी संस्कृतियों को अपनाते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम जिस गैर दलित समाज से वो ब्याह करते हैं उनको भी 10% जो विचारधारा है वो अपनाने के लिए अपने बच्चों, अपने पति या अपनी पत्नियों को आग्रह करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर समय की कमी है। सामाजिक क्या है? जब हम बात करते हैं तो हमारे अपने ही दलित समाज में ब्राह्मणवादी समाज कायम है, हमें जरूरत है उनसे लड़ने की। हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है ब्राह्मण से है, नहीं, ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो दलितों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। अगर मैं हरिपाध्याय जी की तारीफ यहाँ करूँ तो वो कम नहीं होगा। हो सकता है हमको अपने समाज से कितना कुछ सुनने को भी मिला हो कि ये इस तरह का विशेषण निकाल रही है, ये वही समझ सकते हैं, शायद हम और आप नहीं समझ सकते हैं। तो हमें जरूरत है अपने अंदर से ब्राह्मणवाद खत्म करने की। जो बाबा साहब स्वयं कहते थे कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, और अपने दलित समाज में भी ऐसे घुसपैठ लिए बैठे हुए हैं जिन्हें हमें बाहर निकालना है। वो
मैं लेखन में बड़ी बड़ी, लेकिन मैंने व्यवहारिक स्तर पर मेरा अपना अनुभव रहा है कि वो जाकर शंकर और पांडे जी की गोद में बैठ जाते हैं, और जब तक ये शंकर और पांडे जी की गोद में बैठे रहेंगे, ये सामाजिक न्याय की बात इक्कीसवीं सदी तो क्या, ये 22वीं 23वीं 24वीं सदी में भी समाप्त नहीं होने वाली है। हम लिपस्टिक बिंदी लगाकर जब करवा चौथ की पूजा करते हैं तो हम ऐसे पुरुषवादी समाज को खत्म नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इस सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, आप सबको भी पता होगा कि अन्यथा इसको मत लीजिएगा कि हाफ पैंट तो वो पहन लेती हैं, जाम से जाम भी टकरा लेती हैं, चार पांच पुरुषों के साथ कदम से कदम भी मिला लेती हैं, लेकिन जब सिंदूर की बात आती है तो उनका सिंदूर बिखरता हुआ नजर आता है। मुझे ऐसा सिंदूर नहीं चाहिए, मुझे जो सामाजिक न्याय चाहिए वो वैचारिक की धरातल पर चाहिए, जहां विचार से दलित स्त्री आदिवासी पिछड़ा वर्ग सबके सब मनुष्य हैं। मैं मनुष्य में जीने की बात करती हूँ, ना कि जो है किसी और विचारधाराओं में। इसीलिए मैं अपनी बात बरखान सर की एक कविता से समाप्त करना चाहती हूँ, जो सामाजिक न्याय की ही बात है। सर इजाजत है? सामाजिक न्याय को जल्दी ही खत्म करेंगे,
क्योंकि यही हम लोगों की उम्मीद है। धन्यवाद।